सैनिटाइजर्स अभी बहुत ज्यादा महंगे बिक रहे हैं। सैनिटाइजर बनाने का भी सिंपल तरीका है, आपका जो आफ्टर शेव होता है या डॉक्टर स्पिरिट होती है, जो स्पिरिट होती है, उसको आप आधे भाग में नॉर्मल पानी से मिलाएं, बिस्लेरी के पानी से जो नॉन कंटेमिनेटेड है, या एलोवेरा जूस से भी आप उसको मिला सकते हैं। इट कैन बी यूज एज अ सैनिटाइजर। आपको कोई N95 या स्पेशल मास्क की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में मास्क बना सकते हैं विद अ नॉर्मल क्लॉथ, 2-ply क्लॉथ जिसको हम बोलते हैं। उसको मास्क को आप गर्म पानी में धोइए सेवलॉन डाल के, मैं एक्स्ट्रा आपको वो बता रहा हूँ, धूप में सुखाइए और प्रेस करके पहन लीजिए। तो अगर आपने 3-4 मास्क बना लिए तो उसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसा कलेक्टर साहब ने बताया, 50 रुपए का, 100 रुपए का जो लोग मास्क बेच रहे हैं, कल मुझे खबर मिली IMA में कि सैनिटाइजर लोग 500-500 रुपए के बेच रहे हैं। ये आपके प्रेस के माध्यम से इसमें इजिली रोका जा सकता है, क्योंकि कोई भी हाथ धोने ही इनफ है। बट अगर किसी को सैनिटाइजर बनाना भी है तो नॉर्मल डॉक्टर स्पिरिट जो आती है, जो हर जगह मिलती है, या आफ्टर शेव तो हर जगह मिलता है साहब, उसको आधी आधे उसमें पानी में मिलाएं कि इसमें उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए और उसको यूज करें। सारे हॉस्पिटल्स में कलेक्टर साहब ने हमको इन्फॉर्मेशन दे दी है, हम लोग सारे हॉस्पिटल्स में भी स्क्रीनिंग के लिए तैयार हैं। ये अभी बीमारी उस तरीके से फैली नहीं है जिस तरीके से इसको प्रसारित किया जा रहा है। चाइना जहां सबसे ज्यादा थी, 2% जो इसकी मोर्टेलिटी है वो बीमार लोगों में या वृद्ध लोगों में है, और 47% सब क्लिनिकल केसेस हैं। सब क्लिनिकल केस मतलब जिनके अंदर कोरोना वायरस आया, उनकी इम्यूनिटी ने खुद ब खुद कोरोना वायरस से लड़के जीत गई, उनके अंदर कोई सिम्टम्स ही नहीं आए। तो 47% सब क्लिनिकल केस का तो किसी को पता ही नहीं चला। रोकथाम के लिए विटामिन सी आप जितना ज्यादा ले सके, क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, ज्यादा लेंगे तो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। विटामिन सी लें, 8 घंटे की नींद लें, स्ट्रेस फ्री रहें, बाकी नींबू पानी पिए। कलेक्टर साहब बता ही चुके हैं कि आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ना आए एक दूसरे के, कोई खास ये करें कि भैया कोई खास रहा है या किसी को सर्दी है तो मुंह पे कोई मास्क लगा लें। और 90% ड्राई कॉफ के केसेस होते हैं, मतलब जिसको खकार आ रही है उनमें 90% में कोरोना वायरस होने की संभावना कम है। 90% इज ड्राई कॉफ, मतलब कोई खकार नहीं आती उन केसेस में, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। और जो कचरे इकट्ठे होने वाली जगह है उन पे कोरोना वायरस ग्रो करता है, डस्टबिन के आजू बाजू जहां पत्तियां पड़ी हुई हैं, इन जगहों को अपन खुद भी या सिटीजन साफ कर सकते हैं।